In this lecture, we will discuss about the resultant force. So before going to start this topic, let's discuss about what is the meaning of resultant force. So we can say that if a number of forces are acting at a single point, so for finding the resultant of all the forces of all the components is known as the resultant of forces. So you may say that the मीनिंग ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई फोर्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है तो उसका मीनिंग उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस कॉमन पॉइंट पे। जैसे आपका कोई ये जो हमारा दिख रहा है आपको नंबर ऑफ फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट अ सिंगल फोर्स विच कुड रिप्लेस देम एंड दैट इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस दैट प्रोड्यूस द सेम अफेक्ट that produce the same effect by all the given forces. So this single force is known as the resultant force and the given forces are known as the component force. Isko hum is tarike se samajh sakte hain ki agar aapka multiple force kisi bhi point pe aur kisi bhi object pe agar lagta hai to uska kya effect padega. Hamara jo multiple force karne ka matlab ki aapka jaise koi object hai aur us object pe aapka एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे, एक दूसरा सिंगल फोर्स वाई एक्सिस में एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक्ट करता है तो उसका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस वन वी विल यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यू कैन सी हेयर विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस we can find the resultant of these two forces. So the statement of this resultant of forces, if two forces you can see from this figure here two coordinates are there, p and q, or you can say that it is the two forces is acting f1 and f2. Here f1 is acting and f2 is acting at a point o, and the angle between that forces is theta, and the value of force is f1 and f2 at this point p and q along the line p and q. So for this one we have to find the resultant. Iske liye hum karenge kya, pehle hame oq jo aapko yahan pe line dikh raha hai jo ki angle theta pe hai, iske according iske along hum log point p pe, at the point p we will draw a parallel line. Yahan pe hum ek parallel line draw karenge is point pe, इसके रिस्पेक्ट में ओ क्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग पी क्यू एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम ओ पी जो लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है इसके अलॉन्ग हम लोग एक लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका अपोजिट साइड में ड्रॉ करेंगे। सो जो ये आपका लाइन है इनके बीच का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट देगा ये आपका रिजल्टेंट देगा। तो हम पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी को मैच करेंगे, यहाँ पे पॉइंट सी को हम यहाँ पे मैच करेंगे, तो द एंगल थीटा एंड द पॉइंट ओ सी टू पी इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। यहाँ पे जो आपका एंगल अल्फा बनेगा है ना, ये अल्फा बनेगा, इसका हमें फाइंड करना है वैल्यू, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड करना है। आर क्या आपका रिजल्टेंट है ना। सो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है कि हम किसी भी दो पॉइंट दो लाइन आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट सी के अलोंग हम लोग परपेंडिकुलर लाइन एंड पॉइंट ए के अलोंग हम लोग पॉइंट डी एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको आएगा। ठीक है, तो अब हम इस दो पॉइंट को रिजॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल की, ट्रायंगल जो आपका है ओ सी और ए, ओ सी ए है आपका, तो हम अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एफ वन फोर्स एक्ट कर रहा है ओ ए पे, और तो ये आपका जो एंगल एफ वन है तो एफ वन के बाद ये आपका होगा एट ए डी, ये आपका आ जाएगा एफ वन, ये आपका एफ वन कॉस थीटा इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आएगा है ना ए डी का लॉन्ग, एंड सी डी जो आपका आएगा ये आपका आएगा एफ टू साइन थीटा, दिस इज द एफ टू कॉस थीटा एंड एफ टू साइन थीटा। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट, सो इट इज द एफ टू साइन थीटा एंड एफ टू कॉस थीटा। नाउ इफ यू आर मूविंग इन द ट्रायंगल ओ ए ओ सी ए, यहाँ पे देखिए आपका ट्रायंगल ओ सी ए है, इस ट्रायंगल में अगर हम मूव करते हैं तो ओ ए का जो वैल्यू है, ओ ए आपका है एफ वन है ना, ए डी का जो वैल्यू आएगा ये आपका
एफ टू कॉस थीटा, और ये सी डी का जो वैल्यू है एफ टू साइन थीटा होगा, है ना, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम जब भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो एक्स कंपोनेंट में हमको कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और वाई कंपोनेंट में साइन थीटा के फॉर्म में हम उसको रिजॉल्व करते हैं। ये हम लोग बेसिक जानते भी हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम लोग एफ1 कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोग वाई साइन थीटा, और जो वैल्यू देगा आपको उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे आपका एफ1 है, यहाँ पे हम एफ1 कॉस थीटा लिख लेंगे और उसके बाद वाई कंपोनेंट में हम लोग एफ2 साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये फोर्स आपका लग रहा है एफ2 कॉस थीटा एंड एफ2 साइन थीटा। नाउ इफ वी आर मूविंग इन द ट्रायंगल OAC, OAC में अगर हम देखते हैं तो आपका क्या होगा, OA का जो वैल्यू है F1 है, AD का वैल्यू cos थीटा है, F2 cos थीटा है और CD का वैल्यू F2 sin थीटा होगा। नाउ द रिजल्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट, सो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट R इज टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसके लिए आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये ट्रायंगल जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस आप लिख सकते हैं। तो CD का जो वैल्यू है वो F2 sin थीटा होगा और आपका जो OD का जो वैल्यू है इसको हम लोग OA प्लस AD लिख सकते हैं, OA प्लस AD, तो आपका F1 प्लस F2 cos थीटा हम इसको लिखेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यहां पे परपेंडिकुलर आपका F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कांसेप्ट वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड द एंगल अल्फा एंड द एंगल अल्फा, राइट। नाउ सो हियर F1 एंड F2 इज द फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2, अल्फा क्या है, आपका अल्फा आपका एंगल विच रिजल्टेंट फोर्स मेक वन ऑफ द फोर्सेस F1, विच रिजल्टेंट फोर्स मेक विद वन ऑफ द फोर्सेस F1, ये आपका इसका जो आपका अल्फा है ये एंगल है, उसमें हमने जस्ट फिगर में देखा था, है ना, फिगर में हमने देखा कि F1 और F2 क्या है, तो आपका ये एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट F1 और R के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट विल बी डिपेंड्स ऑन द थीटा। इफ यू आर लुकिंग द इक्वेशन R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, सो इफ यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, R इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू हम लोग उसमें 0 पुट करेंगे तो आपका 1 आएगा, और जब आपका रिजल्टेंट क्या है, आपका रिजल्टेंट R इक्वल्स टू F1 प्लस F2 यहां पे आ जाएगा, यहां पे R इक्वल्स टू F1 प्लस F2 आप यहां पे आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, हम क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री चेंज कर रहे हैं, तो उस वाले इक्वेशन में R वाले जो R का जो इक्वेशन है रिजल्टेंट का उसमें हम लोग 90 पुट करेंगे तो cos 90 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे देखिए cos 90 का जो वैल्यू है क्या, ये 0 डिग्री, तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आपका ये रिजल्टेंट आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर क्या आएगा, आपका रिजल्टेंट आएगा। सिमिलरली व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम वैल्यू जो है थीटा का ये हम 180 डिग्री पुट करेंगे, सो आपका जो इक्वेशन है मेन इक्वेशन R इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, उसमें cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आपका -1, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 होता है, R इक्वल्स टू F1 माइनस F2 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इफ द फोर्सेस आर इक्वल, इफ द टू फोर्सेस F1 एंड F2 का जो वैल्यू है वो इक्वल अगर हम रखेंगे पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, आपका R का जो वैल्यू आएगा R इक्वल्स टू R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, हम लोग क्या कर रहे हैं F1 और F2 का वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इक्वल रख रहे हैं, F1 F2 का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वल रख रहे हैं, तो आपका ये रिजल्टेंट आएगा। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस F1 F2 फाइनली वी विल गेट द 2F स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा, हम लोग जानते हैं कि आपका जो है 2F स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा, है ना, 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था मैथ के क्लास में, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 यहां पे आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे 2f स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2
and then if we are resolving or solving this equation, we will get the under root 4f square cos square theta by 2. Now what is the root of the 4f square cos square theta by 2? It goes to 2f. यहाँ पे 4f square का जो root आएगा वो 2f आएगा and cos square theta 2 का theta by 2 का value जो आएगा cos square theta 2 theta by 2 का value 2f cos theta by 2 आना चाहिए. ये आपका resultant आ जाएगा जब आपका दोनों force का value same होगा. Now if you are moving further, let us do some numerical related to this concept. So what is the statement of the problem? What is the statement? Two forces of 100 newton and 150 newton, hai na, are acting simultaneously at a point. So we have to find the resultant of the two forces if the angle between them is 45 degree. ठीक है, ये आपका है. तो जो फर्स्ट जो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ आपका वो है F1 का वैल्यू आपका 100 गिवन है, F2 का वैल्यू आपका 150 न्यूटन गिवन आपका, एंड एंगल जो है आपका वो दिया हुआ है क्या, आपका एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है. सो एज वी नो दैट द फॉर्मूला R इज टू, R क्या होगा, R इज टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होता है ना. तो आप इस पे वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन में, अंडर रूट 2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर में F1 का वैल्यू 100 है, F2 का वैल्यू 150 होगा एंड 2 F1 का वैल्यू 100 एंड F2 का वैल्यू 150 cos 45 डिग्री. तो यहां से आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो 232 न्यूटन हो जाएगा. आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 232 न्यूटन होगा. इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी. सो हियर इन दैट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, they are saying that find the magnitude, hai na, find the magnitude of the two forces such that if they act at right angle their resultant is under root 10 newton, but if they act at 60 degree their resultant is under root 13 newton. hamara jo first case hai, first case mein aapka jo do force act kar raha hai usme jo 90 degree ka angle form ho raha hai aur uska resultant hai under root 10 newton hoga. aur uske baad अगर आपका जो ये एंगल 60 डिग्री होगा तो उसका रिजल्टेंट हमारे क्या बोलता है, अंडर रूट 13 न्यूटन बोल रहा है, निकले 13 न्यूटन होगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी अंडर रूट 10, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस व्हेन द एंगल ऑफ दैट फोर्सेस व्हेन द एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस आर 90 डिग्री, है ना. तो 90 डिग्री कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो पुट करेंगे तो आपका अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर आएगा. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 10 इज टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है. नाउ फर्दर आफ्टर द सेकेंड स्टेटमेंट आर सेइंग दैट सेकेंड स्टेटमेंट व्हेन द टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ 60 डिग्री पे जब एक्ट करेगा तो उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का वैल्यू जो आपका है अंडर रूट 13 न्यूटन गिवन है फ्रॉम द गिवन डेटा, है ना. तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट का वैल्यू अंडर रूट 13 न्यूटन पुट करेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है. इसमें पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एफ वन एफ टू इजकल टू 13 माइनस 10 आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन आ गए. इन दो इक्वेशन के थ्रू हम लोग सोल्यूशन को फाइंड करेंगे. तो एज वी नो दैट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट F1 प्लस F2 स्क्वायर इज टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 2F1 into F2 होता है. A प्लस B का होल स्क्वायर इज टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है. तो इसको हम लोग F1 F2 के फॉर्म में लिख रहे हैं. तो आपका जो है F1 प्लस F2 का जो वैल्यू है जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया था उसका जो वैल्यू आता है वो 10 है. 10 हमने जस्ट फाइंड किया था और उसके बाद हम लोग F1 F2 का वैल्यू फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट वी गॉट द 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये 16 आपका आ जाएगा. तो व्हाट आर द मेन इक्वेशन, एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू अंडर रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4, है ना. अंडर रूट 16 का हम लोग रूट निकालेंगे तो आपका 4 आएगा. सिमिलरली वी नो दैट एफ वन माइनस एफ टू, एफ वन माइनस एफ टू होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एफ वन माइनस एफ टू होल स्क्वायर इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस 2 एफ वन एफ टू, है ना. F1 का F1 plus F2 का स्क्वायर का 10 है एंड 2 F1 F2 का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा 2 into 3,
इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो यहाँ से हमने जो फाइनल जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा f1 माइनस f2 इक्वल टू अंडर रूट 4, एंड अंडर रूट 4 का जो आपका रूट आएगा वो 2 लिख सकते हैं। तो हेयर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इफ वी आर सॉल्विंग द टू वैल्यूज टू इक्वेशन एंड टू अननोन्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ f1 इक्वल टू 3 न्यूटन एंड f2 इक्वल टू 1 न्यूटन। सो दी आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द content of today lecture. Further, we will continue.